सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य मेरे यानी कामिनी खन्ना द्वारा। जय देवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे और समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। मैं सबको पहले रिक्वेस्ट कर दूँ मैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आएगा बेल बटन, उस बेल बटन पर फिर से क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा ये चैनल, आपके लिए कई सारी फ्री जानकारियाँ। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तारीख 6 को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और 7 तारीख को हर्षल मार्गी होंगे, 10 तारीख को विनायक चतुर्थी है, 11 तारीख को सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में दोपहर 1:20 पर प्रवेश कर जाएंगे और बुध अस्त हो जाएंगे, 13 तारीख को भानु सप्तमी है और इस सप्ताह में जो खास उलाढाल नहीं है इसलिए मैं आपको साप्ताहिक राशि भविष्य बता रही हूँ। मकर राशि में है चंद्रमा। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब पहुंच गए हैं शुक्र आपके अष्टम स्थान पर, तो आपको थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए, पार्टनरशिप को संभालना चाहिए। और बुध पहुंच गए हैं आपके भाग्य में, तो आपको जितनी परेशानियां पहले हो रही थी तो उतनी नहीं हैं। अपने पराक्रम, लेजीनेस वगैरह सब दूर हो जाएंगे, अपने विरोधी भी शांत हो जाएंगे। अब जो ये स्थिति बनी है कि मकर में चले जाएंगे चंद्रमा देर रात को, तो अभी 2-3 दिन मकर में चंद्रमा रहेंगे तो आपको बिजनेस से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ काम बनाने हैं तो बना लीजिए, और आधे अधूरे काम भी बने तो परेशान मत होइए। अपने मम्मी से सपोर्ट ले लीजिए या उनकी तबीयत का ध्यान भी रखिए आप, ये भी ज़रूरी है। ये 2-3 दिन वो आपको अच्छे से सपोर्ट भी कर पाएंगी और बेटर फील करेंगी वो आपके ये मंगलिक योग जो बने हुए हैं मंगल की वजह से द्वादश में, जिससे आप झगड़ालू हो रहे हैं और अपने प्रेम संबंध बोलिए या अपने दोस्त वगैरह बोलिए उन लोगों के साथ झगड़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा संभालिएगा, उनके साथ लड़िए झगड़िएगा नहीं। अभी शनि सूर्य युति खत्म हो जाएगी 14-15 तारीख को, तब काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा आपको माइंड से, बच्चों से, तो थोड़ा दिन रुकने की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक नज़र होता आएगा आपको बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड भी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र अब आके सन्मुख बैठ गया, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में निखार, आपको बेटर फील हो रहा है, लेकिन आप मोटे हो जाएंगे इस 15-20 दिनों में। ज़्यादा खाइएगा मत, आप ज़्यादा शुगर वगैरह का इंटेक मत करिएगा, अपने विवाहित जीवन में ठीक ठाक रहिएगा। रोमांटिक तो रहेंगे वो अच्छी बात है, लेकिन झगड़े मत कीजिएगा। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बुद्धि से काम लीजिएगा, आपको सही सूझेगा, आपको सही सूझ भी रहा है अपने विवाहित जीवन के लिए। और ये जो अष्टम में शनि सूर्य युति चल रही है ना, उसके लिए आप अपनी तबीयत संभालिए सबसे पहले, हड्डी स्कल आँखें दाँत ये सब चीज़ों को, आपकी बैकबोन इस सब, अगर कमर में दर्द है, नर्व्स में दर्द है किसी प्रकार से, तो उसको संभालिए आप। पैसा आता नजर आता है मुझे, लेकिन उसी प्रकार से खर्च भी हो जाएगा पैसा, और विवाहित जीवन में अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह की हुई है तो भी पैसा आएगा आपके बुद्धि चातुर्य से। अभी थोड़ा बहुत हिम्मत आपको जो मार्च तक अच्छे से दे रहा है राहु, वो आपके काम बनाता है और वो आपको अच्छे से आगे लेकर जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप बहुत एम्बिशियस हो जाएं। अभी ये जो गुरु बैठे हैं आपके सप्तम में, ये आपके शादी के योग बनाते हैं, अगर कोई पसंद आता है तो आगे बढ़ें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध अब स्वस्थ है, आप पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं अपनी तबीयत के लिए। अभी पूर्ण रूप से बुध देख भी रहा है, सब काम सुचारू रूप से गुरु की वजह से हो रहे हैं, मंगल भी आपको थोड़ा सा बल दे रहा है, जोर शोर से काम करवा रहा है, लेकिन जो माइंड का स्वामी शुक्र खड्डे में गया वो आपको उदास करता है, वह आप तरह तरह से उदासी के आयाम ढूंढ लेते हैं और रोने बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को वीक फील कराते हैं, और आपको काम भी इतना हो गया है गुरु की वजह से कि आप थक जाते हैं। और मैं आपसे अगर कहूं कि तबीयत का पूर्ण रूप से अपनी ध्यान रखिए, दर्दों का, जो आपको दर्दें हो रही हैं तो मसाज एक्सरसाइज वगैरह बराबर आपका चालू रहे तो ये दर्दें वर्दें कंट्रोल में आएंगी। और अभी मकर में जो चंद्रमा रहेगा 2-3 दिन,
तो श्रवण नक्षत्र जब होगा तो अपनी तबीयत का पूरी रूप से ध्यान रखेगा। परिवार वाले अब धीरे धीरे आपके नज़दीक आएंगे, जो आपसे बिछड़ गए थे तो प्यार से गले लगा लीजिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न में बैठा राहु जितना भ्रमित कर रहा था कर लिया उसने, अब वो धीरे धीरे पीछे हटेगा और आप पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे। अब आप काम पे लग जाएंगे, आप कोई अच्छा काम पकड़ेंगे, विदेश रिलेटेड काम में आपको ज़्यादा रुचि रहेगी, लेकिन मैं कहूँगी कि आपकी नेचर को सूट नहीं करता विदेश रिलेटेड काम करना, थोड़ा सा अपने स्वदेशी रहिए। और रोमांटिक हो रहे हैं आप, उस बात से अगर कोई आपको रिलेशनशिप में फ़ायदा होता है पैसे का तो वो भी देख सकते हैं, बच्चों से कोई फ़ायदा होता है पैसे का तो वो भी देख सकते हैं, या आप कमाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। आपकी शुक्र गुरु युति जो हो जाएगी आपके माइंड पर, उससे द्विस्वभाव हो जाएगा, एक तरफ आप सात्विक हो जाएंगे, दूसरी तरफ आप ज़्यादा मज़ा मस्ती करने की सोचेंगे। लेकिन आपके विरोधी इन दिनों सक्रिय हैं, आपके पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी, और कोई लोन्स वगैरह लेना है तो वो भी, ये तीनों चीज़ों में आपको सावधान रहना है। अभी विवाहित जीवन के लिए सही से योग नहीं आ रहे, एक आध साल में आपके शादी के बड़े योग आएंगे, फिलहाल दोस्ती वगैरह के और रिलेशनशिप के योग हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य जो है वो संकट में है, गायत्री के जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, सूर्य में स्नान या सूर्य के दर्शन करना, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए उचित रहेगा। अभी शुक्र के आने से आपके आर्टिस्टिक कोई काम है उनको बढ़ावा मिलेगा, आपको अगर कोई ऐसे काम करने हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। आपको फिलहाल अपनी माता से जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपकी मदर आपको सपोर्ट कर रही थी हर बात से, काम से, और उनकी वजह से आपको घरेलू सुख सुविधाएं भी मिल रही हैं, आपके प्रॉपर्टी लेने के योग भी बने हुए हैं, तो ये सब में आपको अगर खलल लगे कि नहीं मम्मी बेचैन है आपकी, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले उनकी डायबिटीज़ तबीयत इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, उनको शुगर इनटेक वगैरह ना करने दें ज़्यादा, और दूसरी बात कि हेल्पर्स के साथ लड़े नहीं, और अपने कार वगैरह वाहन वगैरह धीमे चलाएं। अपना माइंड कूल रखने के लिए आप सूर्य के आगे बैठ के ओम बोलें, बच्चों को भी यही सिखाएं। अगर चिड़चिड़ होती है, झगड़े होते हैं आपके विवाहित जीवन में, तो थोड़ा सा शांति रख के प्रेम संबंधों में भी बनाए रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध अभी स्वस्थ है पहले से ज़्यादा, और देख रहा है अपने दशम स्थान को, जिससे आपका बिजनेस बढ़ा है उससे आप थोड़ा आश्वस्त हैं, और शनि सूर्य के बीच में बुध आ जाने से, थोड़ी सी दोस्तों के बीच में आने से थोड़ी पहले से बेचैनी कम हुई है। आपकी मम्मी की तबीयत कंट्रोल में आई है, घरेलू टेंशंस कंट्रोल में आई हैं, आपके विवाहित जीवन में जो कलह वगैरह चल रहा है वो भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि अभी स्थिति ठीक है, अभी पहले जितनी खराब नहीं है। पहले आप ज्यादा ऑकल्ट साइंसेस में इधर उधर भाग रहे थे, तो वो भी स्थिति कंट्रोल में आएगी। अभी राहु केतु बदलने वाले हैं, लेकिन राहु केतु बदलने से पहले जितना पैसा बन रहा है उतना बनाइए, बाद में आपको ढेर सारा काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और मीडिया से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं मार्च के बाद में। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी शुक्र आगे बढ़कर गुरु के साथ मेल बनाता है, गुरु और शुक्र महालक्ष्मी योग बनता है धनस्थान में, जिससे आपको पैसा आता है, घरेलू सुख सुविधा मिलती है। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि घरेलू लोग आपके जितने हैं वो सात्विक भी रहें और मज़ा भी करें, कभी कोई मनमुटाव हो तो संभाल लीजिएगा। अभी जो सूर्य और शनि की युति की वजह से यात्राओं में तकलीफ हो रही थी, लेजीनेस लग रहा था, तबीयत खराब लग रही थी, काम नहीं बन रहे थे, वो सब काम बनेंगे अभी, और लाभ भी होगा, पैसा थोड़ा बहुत शुरू होगा। माइंड आपका बहुत परेशान है, थोड़ा रुक जाइए, अभी 14 जनवरी के बाद सब स्थिति संभलेगी। विरोधियों का सामना मंगल अच्छे से कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड छिटपुट काम बन रहे हैं उनको बनाइए, और मकर के चंद्रमा अभी कहते हैं कि थोड़ा सा आराम कीजिए, घर बैठे कुछ बिजनेस के काम कीजिए, कुछ पैसों से रिलेटेड बैंकिंग व्यवहार कर लीजिए, ये 3 दिन थोड़ा आराम कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु आपको सात्विक बनाते हुए आपको परिवार के निकट ले आता है, और बुध जो शनि सूर्य युति के बीच में पहुंच गया है वो आपके परिवार के विघटन को रोकता है, आपका परिवार थोड़ा सा आश्वस्त होता है, और शुक्र के लग्न में आ जाने से
आपके महालक्ष्मी योग भी बनते हैं और थोड़ा रोमांटिसिज्म बढ़ता है, शादी के लिए योग्य वर वधु मिल जाते हैं, तो आपको शादी के लिए आगे बढ़ना है तो बढ़िए। माइंड थोड़ा सा अभी जो पिछला गुस्सा था गया नहीं है, तो लोगों पर इससे गुस्सा छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब होती है और आपके काम जो नहीं बन रहे हो मार्च के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल सूर्य भी तृतीय में आ जाएंगे तो लेजीनेस भी खत्म होगा 14 तारीख के बाद। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न में बैठे शनि सूर्य के बीच आ गए बुध, जिसकी वजह से थोड़ा सा संभले आप, सही सोचने लगे, आपका एक तरफा चिड़चिड़ापन बंद हुआ, आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट में आए। बुध के कारण आप थरली व्यवसायी होने लगे, आपके शादी के योग बने। आपके साथ साथ शनि की वजह से आपके पैसे रुके हुए हैं भयंकर रूप से, उससे आप परेशान हैं, और आपका भाग्य रुका हुआ है तो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। आपके घरेलू झगड़े झंझट से बचने के लिए आपको श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, अनवरत, या हनुमान जी की। और प्रेम संबंधों में कुछ बिगाड़ आता है तो ध्यान रखिए कि उसकी तरफ ध्यान हटा के अब फिलहाल पैसा बनाने का सोचिए। विदेशों से कोई ऑफर आती है, काम आता है तो कीजिए वो काम, और साथ ही साथ खर्च हो रहे हैं कुछ अंदाधुन, उनके लिए अपना हाथ रोक लीजिए। तबीयत का ध्यान रखें, स्लीपलेस नाइट्स के लिए आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, चांद को देखते रहिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि अस्वस्थ सूर्य के साथ, लेकिन बुध ने संभाला अब आकर, और पहले से स्थिति नहीं है, थोड़ी बहुत कंट्रोल में है। अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए महामृत्युंजय के जाप कीजिए, साथ में काली माँ की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ, और जो गुरु महाराज के साथ शुक्र आए उससे महालक्ष्मी योग बन के आपको पैसे मिलने जा रहे हैं उसको संभालिए। आपका माइंड सही चलेगा आपकी बार, और आपके बच्चों से आपको सही सलाह मिल रही है, और अपने बच्चों के विषय में आप सही सोच पा रहे हो, आपके पढ़ाई वगैरह विद्या इससे सबसे लाभ हो रहा है आपको, और आपको पराक्रम भी बना हुआ है इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, वो बड़ी खुशी की बात है। तो थोड़ा आराम भी कीजिए आप, और थोड़े दिन 13-14 तारीख के बाद आपका सब अच्छा होगा। फिलहाल जो राहु महाराज बैठे हैं सप्तम में, वो इंगित करते हैं कि आप अपने विवाहित जीवन में सावधान रहें। कुंभ राशि, आपके लग्न का स्वामी शनि अस्वस्थ होकर सूर्य के साथ बैठा था, बुध ने आकर स्थिति संभाली है, और शुक्र ने आकर धंधे में लाभ बढ़ाया है, उससे काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं आप। अभी फिलहाल आपका माइंड भी सही चल रहा है, कल्पक बुद्धि हो रही, व्यवसाय बुद्धि हो रही है, कुछ यश मिलेगा पढ़ाई में आपको और आपके बच्चों को भी, और साथ साथ में फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम बनते बनते बिगड़ गए थे जो, वो 14 तारीख के बाद भी बनेंगे ऐसा मत सोचिए। अभी 1 से 1.5 महीना आपको रुकना है फॉरेन से रिलेटेड काम के लिए, परिवार में झगड़पट्टी मत कीजिए, अभी जो काम बढ़ रहा है उस पर ध्यान रखिए। अगर ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, और अगर टीचिंग से रिलेटेड कुछ करते हैं तब भी फ़ायदा होगा, आपको मीडिया से रिलेटेड करते हैं तब भी फ़ायदा होगा। अभी फिलहाल कड़वा बोल रहे हैं तो कड़वा मत बोलिए, आप आराधना करते रहिए कृष्ण की, मृदुभाषी बनिए। मीन राशि, मीन राशि के लग्न में मंगल इनको तड़फदार बनाता है, आक्रामक बनाता है, साहसी बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भूल जाते हैं कि काम तो हो नहीं रहा। अभी फिलहाल जो थोड़ा बहुत आगे रेटा है काम, वो विवाहित जीवन के सपोर्ट से, माता के सपोर्ट से आगे गया है, तो घरेलू जो काम करने हैं वो निपटा दीजिए, कुछ रेनोवेशन वगैरह इसमें सब, घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ानी है, कार लेनी, वाहन लेनी है तो अभी ले सकते हैं आप, उचित समय है, लेकिन रैश ड्राइविंग वगैरह से बचिएगा। और बच्चों को जो इतने दिनों से आपको मैं बोल रही थी कि व्यसन लग रहे हैं और आपको भी गलत आदतें लग रही हैं, वो अभी पीछे हट रही हैं, धीरे धीरे आप सात्विक होते जा रहे हैं। आपको शिव जी की आराधना अनवरत करनी चाहिए, और जो आपको थोड़ा सा मोटापा चढ़ेगा उस पर ध्यान रखना चाहिए, शुगर वगैरह इनटेक कम करना चाहिए। महालक्ष्मी योग भाग्य से रिलेटेड बनेगा, अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे तो उन ऑफर्स को चूकना नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य, फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे ये वीडियोस, मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, अपनी बुध की स्थिति को अच्छा करिए, पॉल्यूशन घटाइए, पर्यावरण का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ माता पिता और सास ससुर की और बुजुर्गों की सेवा करने से राहु केतु शनि की शांति हो जाती है।
गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।